उत्तराखंड के खूबसूरत शहर नैनीताल में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक से जहरीली गैस लीक होने के चलते कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। जहरीली गैस का रिसाव इतना तेज था कि चंद मिनटों में ही आसपास रहने वाले लोगों की तबीयत खराब होने लगी। कई लोगों को उल्टियां होने लगी तो कई लोग चक्कर आने की वजह से बेहोश हो गए। जैसे ही जहरीली गैस लीक की खबर प्रशासन को मिली तो हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन, SDRF, NDRF, दमकल विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और सबसे पहले गैस से प्रभावित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहरीली गैस फैलने की एक घटना नैनीताल के सोखाताल क्षेत्र की है। प्रशासन की टीम के मौके पर पहुंचने पर पता चला कि जल संस्थान के पंप में 50 किलो का क्लोरीन गैस सिलेंडर लीक हो रहा था। बताया जा रहा है कि गुरुवार को दोपहर के समय से ही लोग गैस लीक होने की बात कह रहे थे, लेकिन शाम तक गैस का रिसाव काफी ज्यादा तेज होने लगा। जब गैस की दुर्गंध पूरे क्षेत्र में फैलने लगी तो अफरा तफरी मच गई। करीब 100 मीटर के क्षेत्र में कई लोग इसकी चपेट में आ गए, जिनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची प्रशासन और SDRF की टीम ने आसपास से करीब 100 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट कराया। अधिकारियों के मुताबिक प्रभावित क्षेत्र में गहरा गड्ढा कर गैस सिलेंडर को डिस्पोज किया गया। इसके बाद क्लोरीन गैस का रिसाव बंद हुआ। जानकारी के मुताबिक पानी को फिल्टर करने के लिए पंप हाउस में 50 किलो का क्लोरीन गैस का सिलेंडर रखा गया था। फिलहाल सिलेंडर लीक होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। गैस किस वजह से लीक हुई, इस बात की जांच की जा रही है। वहीं गैस से प्रभावित हुए सभी लोगों की तबीयत फिलहाल ठीक है। गनीमत रही कि किसी तरह का कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। बता दें कि क्लोरीन एक जहरीली गैस है जो सांस लेने में कठिनाई और उल्टी की शिकायत का कारण बनती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।